आपको भी कहीं ना कहीं से ये उड़ती हुई न्यूज मिल गई होगी कि 29 फरवरी 2024 से पेटीएम बंद हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या सच में पेटीएम बंद हो जाएगा 29 फरवरी 2024 के बाद में, या फिर ये एक अफवाह है? पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि क्या पेटीएम बंद हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं गाइज आपको ये बात क्लियर कर देता हूं कि पेटीएम बंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। पेटीएम की कुछ सर्विसेज यहां पर बंद होगी, इसके पीछे क्या वजह है और किस तरीके से ये बंद होगी, कब बंद होगी और इसका क्या क्या नुकसान होगा, वो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये बात जाननी होगी कि हमारे इंडिया में जितने भी बैंक काम करते हैं, जैसे कि SBI हो गया और भी HDFC बैंक, ICICI बैंक और जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक भी शामिल है, मतलब जितने भी प्रकार के जो बैंक है इंडिया में काम करते हैं, उन सभी को RBI जो भारतीय रिजर्व बैंक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ता है। मतलब अगर जो RBI की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, RBI उसको भारत में बैन कर देती है। अभी आप समझ गए होंगे कि जितने भी बैंक हैं उनको RBI के द्वारा ऑफिशियली मान्यता दी जाती है कि आप अपनी बैंकिंग सुविधा लोगों को दे सकते हो। वो सुविधा देने के बाद में RBI की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं करती है तो RBI उनको बंद कर देती है। ऐसे में RBI ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो RBI का एक ट्वीट है जिसमें RBI ने एक छोटा सा पोस्ट डाला है, एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और उसके बाद में एक जो यहाँ पर लिंक भी दिया इन्होंने, तो इसमें सिंपली बताया गया है कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक एक्शन लिया गया है जो 35A के सेक्शन के तहत यहाँ पर काम करने वाला है। अभी इसको साइड में रखते हैं और मेरे पास पेटीएम की तरफ से एक मेल आया है, उस मेल को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो पेटीएम की तरफ से मुझे एक मेल आया है, जिस मेल में आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है। सिंपली पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से मुझे ये मेल आया है जिसमें लिखा है, डियर कस्टमर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI हैज द इशू ए डायरेक्टिव रिस्ट्रिक्शन पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट वॉलेट फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट और अलाउिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन आफ्टर फरवरी 29, 2024। मतलब यहाँ पर पेटीएम ने मुझे मेल करके कहा है, मुझे इसलिए कहा है क्योंकि मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है। इसलिए जिसके पास भी पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है या फिर पेटीएम वॉलेट उनका एक्टिव है, उन सभी को ये मेल मिला होगा जिसमें पेटीएम ने ये कहा है कि RBI ने हम पे एक रोक लगा दी है जिसके चलते 29 फरवरी 2024 के बाद में हम कोई भी प्रकार का ट्रांजेक्शन जो डिपॉजिट है वो अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर और वॉलेट के अंदर नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसे हैं या फिर पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे हैं तो उनको आपको दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर देना है। अभी देखिए इस पूरे फंडे का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या फंडा है और इस मेल में क्या रखा गया है। अभी आपको एक ध्यान में इस बात का रखना है कि 29 फरवरी 2024 के बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा और साथ में पेटीएम का जो वॉलेट है वो बंद हो जाएगा। दो चीजें बंद हो जाएगी, पेटीएम वॉलेट और पेटीएम पेमेंट बैंक, ये दो चीजें बंद हो जाएगी, पेटीएम एप्लीकेशन बंद नहीं होगा। अभी यहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? सबसे पहले बात कि अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है और उसमें रुपए पड़े हुए हैं तो उन रुपयों को आप किसी को भेज दो या फिर आप अपने दूसरे अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। इसी तरीके से अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है और उसमें रुपए पड़े हुए हैं तो उन रुपयों को आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये जो आप ट्रांसफर करोगे उसको यहाँ पर 29 फरवरी 2024 की डेट दी गई है, मतलब उससे पहले आप ट्रांसफर कर सकते हो। अभी यहाँ पर 29 फरवरी का क्या खेल है वो आपको समझना होगा। 29 फरवरी 2024 तक आप पेटीएम के अंदर रुपए ले भी सकते हो और पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर वॉलेट से रुपए भेज भी सकते हो।
अभी देखिए 29 फरवरी 2024 के बाद में आप सिर्फ अपने पेटीएम वॉलेट में पड़े हुए रुपयों को दूसरों को भेज सकते हो या फिर पेटीएम पे जो सर्विस दी गई है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पेटीएम वॉलेट के अंदर आप उन रुपयों को ले नहीं सकते, मतलब किसी से भी अपने पेटीएम के अंदर एडमिन ही नहीं करवा सकते, डिपॉजिट नहीं करवा सकते। कोई भी अगर आपको रुपये भेजना चाहेगा तो आप अपने पेटीएम वॉलेट में उसको नहीं ले पाएंगे। इसी तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक में भी आप रुपयों को ले नहीं सकते। अभी 29 फरवरी तक अगर आपने रुपये अपने भेज लिए, अगर नहीं भेजे तो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने किसी वजह से 29 फरवरी 2024 तक अपने पेटीएम वॉलेट में या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक से रुपये पड़े हुए हैं और उनको दूसरे अकाउंट में नहीं भेजा तो भी आप उन रुपयों को भेज सकते हो, क्योंकि पेटीएम ने खुद यहाँ पर ऑफिशियली मुझे मेल करके बताया कि रुपये डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपके पास जितने भी रुपये हैं उनको आप भेज सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे अकाउंट को। तो यहाँ पर अगर आप एक पेटीएम यूजर हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो रुपये है वो एकदम सेफ है, आप उन रुपयों को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो 29 फरवरी से पहले भी और बाद में भी। पहले आप रुपये ऐड कर सकते हो अपने पेटीएम वॉलेट में और पेटीएम पेमेंट बैंक में, लेकिन 29 फरवरी के बाद में ना तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक में रुपये ले सकते हो और ना ही वॉलेट के अंदर ले सकते हो। अभी अगर आप एक दुकानदार हो, रुपये एक्सेप्ट करते हो, तो आप अभी से अपना जो दूसरा जुगाड़ कर लीजिए रुपये एक्सेप्ट करने का, क्योंकि 29 फरवरी के बाद में ना तो आप पेटीएम में रुपये ले सकते हो और ना ही कर सकते हो। यहाँ पर एक बात बता दूं कि पेटीएम का जो एप्लीकेशन है वो बंद नहीं हो रहा है, उसमें आप अपना दूसरा बैंक ऐड करके जिस तरीके से फोन पे का इस्तेमाल करते हो, गूगल पे का इस्तेमाल करते हो, उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, बस पेटीएम का वॉलेट की सुविधा आपको नहीं मिलेगी और साथ में पेटीएम पेमेंट बैंक भी बंद हो जाएगा। अभी आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, इस पूरे वीडियो का सारांश इतना ही है कि 29 फरवरी के बाद में पेटीएम पेमेंट बैंक में और वॉलेट के अंदर आप रुपए ऐड नहीं कर सकते, जो आपके पास रुपए हैं उनको आप दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। सो फाइनली दोस्तों यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।